Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. भंडासुर ने सूर्य देव से उनका अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया है, इसीलिए अब वहां मोदकों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। ये लीजिए प्रभु, मोदक प्रस्तुत है। ये तो सूर्य देव का अक्षय पात्र है जो कभी इच्छित सामग्री से रिक्त नहीं होता। अब कोई चिंता नहीं है प्रभु, अब जितने चाहे उतने मोदक प्रस्तुत होंगे, इसलिए ना अब मोदक समाप्त होंगे और ना ही आप अपने वचन के अनुसार यहाँ से जा सकेंगे। अपने आराध्य को दिए वचन को निभाने के लिए इतना तो चलता है प्रभु। आप लोग जाइए, सभी अपना अपना कार्य कीजिए। शीघ्र मैं प्रभु महाशिव का वाहन कर उन्हें भी यहाँ बुलाने में सफल हो जाऊंगा। आप रुक क्यों गए प्रभु? लीजिए ना, संकोच मत कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। अब जब मैंने और मोदक जुटा लिए हैं, आप भी रुक नहीं सकते प्रभु, क्योंकि आपने वचन दिया था कि जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा आप मन भर के उसका सेवन करते रहेंगे। प्रभु ग्रहण कीजिए ना। देखिए माता, किस प्रकार भक्ति के नाम पर अपने प्रभु को बंधक बना रहा है ये कपटी भंडासुर। ये तो इसका सबसे बड़ा महापाप, जिसके मूल इसका चलता है का भाव, वही चलता है का भाव जो संसार के जीवों को प्रभावित कर उन्हें अधर्म की ओर ले जाता है। ये वही चलता है का भाव जो भंडासुर के अस्तित्व का आधार है, जो वास्तव भंडासुर ही इसी चलता है के भाव रूपी भंडासुर का नाश करने, इस भंड क्रिया अंत करने अपना आविर्भाव किया है। तब तो माता हमें आज्ञा दीजिए, इससे पहले कि भंडासुर गणेश जी को ढाल बनाकर प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो, हम उसका और उसके अमरपुर का सर्वनाश कर दें। यदि यही है आपकी इच्छा, तो देवी सेनापति दंडीनाथ आज आप स्वयं देवी तिरस्करी प्रणाम माता और देवी बसंती के साथ जाकर हमारी देवी सेना का नेतृत्व करें। आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए। सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ का समय हो गया है। असुर महानायक, आज के युद्ध हेतु मुझे अपार बलशाली 7 बलाहक महायोद्धाओं को इस युद्ध में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। प्रथम बलाहक है संहार गुप्त। प्रणाम असुर महानायक। अगले 2 बलाहक हैं सूचीमुख और फालकेमुख। प्रणाम असुर महाराज। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए असुर महानायक। अगले 2 योद्धा हैं दैत्यराज विकंड और रिक्तानव। प्रणाम असुर महानायक। प्रणाम असुर राज। और इन 7 महायोद्धाओं में जो अंतिम 2 योद्धा हैं वो है प्रेत राज करलाक्ष और करकट। महानायक, अन्य सभी से अधिक भयंकर हैं ये दोनों, क्योंकि ये अपने भीतर प्रेतों की सेना साथ लेकर चलते हैं। आ!
इन सातों के भयानक और अनूठे अस्त्रों का उस नारी सेना के पास कोई तोड़ नहीं होगा। साहस है, बल है और अस्त्र भी है, किंतु जो इनके पास नहीं है वो अपने बचाव के लिए ढाल। मुझे ज्ञात है इनकी ढाल क्या बन सकती है। असुर महानायक हूं मैं और इनकी एक कमी पूरी करूंगा। मुझसे ढाल प्राप्त करने पर ही इस युद्ध के लिए तैयार होगे तुम। जो हमारे समक्ष आएगा उसका संहार कर देंगे हम। अब ये मेरे साथ सिंदूर आसुर चुटकी भर सिंदूर की शक्ति से इन देवियों की सेना को रोकेंगे और उधर मेरे प्रतिरूप मेरे प्रभु महाशिव का आवाहन आरंभ करेंगे। और अब ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ना गणेश जी ना देवी ललिता। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से इस दुष्ट को युद्ध में जो लाभ हो रहा है वो उचित नहीं। यदि समय रहते इसके कपट को विफल कर मैं माता के निकट नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब ना कोई मेरे बलाक योद्धाओं का सामना कर सकेगा और ना ही प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे महायज्ञ में कोई बाधा आएगी। शिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आप कितना भी विचार कीजिए, यहां से जा नहीं सकेंगे आप। और युद्ध में विजय के लिए छल और चतुराई का प्रयोग तो चलता है ना प्रभु। नहीं भंडासुर, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो अथवा शत्रु सेना से, विजय सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और उचित युक्ति से ही प्राप्त होती है, छल और धूर्तता भरी चतुराई से नहीं। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए, किंतु भूल मुझसे नहीं आपसे हो रही है, क्योंकि आज मेरा छल और मेरी धूर्तता ही मेरी सफलता का आधार बनेगी। माता, ये अनूठी दिव्य ऊर्जा से घिरे ये सातों असुर साधारण तो कदापि नहीं। आनंद आएगा देवियों, आनंद। तुम देवियों को पराजित करने में बहुत आनंद आएगा। मेरे द्वारा तुम्हारा संहार आज तुम्हारे
सार्थक करेगा। मेरे बलाक प्राताओं, बहुत ही भयंकर मृत्यु चाहती हैं ये तीनों देवियाँ। हमें अपने मायावी बल से इनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण करनी होगी। भूमि को ऐसे निर्जन भवन में परिवर्तित कर दिया इस दुष्ट ने। असुर महानायक, ये बलाहक असुर अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भी अपनी माया से ऐसी व्यूह की रचना करेंगे जिस दिन शत्रु देवियों को ये भ्रम होगा कि वो यहाँ से दूर अपने ही स्थान पर युद्ध कर रहे हैं, किंतु सभी इनकी माया से मुक्त होने के कारण इन्हें यही देख सकेंगे। किंतु इसे बलाहक योद्धाओं को क्या लाभ होगा? अपने शत्रु को भ्रमित कर युद्ध भूमि में युद्ध करके विजय पाने का महारत प्राप्त है उन्हें। क्या हुआ देवी? मेरे स्थान पर मुझसे सामना करने का साहस नहीं रहा क्या? युद्ध कहीं भी हो और कैसे भी हो, उसका तो एक ही परिणाम होता है संहार गोप, वो है तुम्हारा विनाश। दुष्ट असुर, ये वन जो तुमने अपनी माया से प्रकट किया है, तुम्हारे साथ ये वन भी नष्ट होगा। नहीं देवी, मेरे मायावी स्थान में तुम्हारे नहीं मेरे ही प्रहार सफल होंगे। इसलिए अब एक अंतिम बार इस संसार को देख लो देवी। मूर्खो, इस संसार से मुक्ति तो अब तुम्हारी होगी। तुम्हारे इस मायावी खंडर के समान अब तुम भी अपने जीवन से रिक्त हो। इन असुरों के निकट इस दिव्य शक्ति का होना कहीं देवियों के लिए कोई नवीन कठिनाई का संकेत तो नहीं? नहीं देवी, एक चींटी के समान हम तुम्हें मसल कर रख देंगे। देवी, हम साक्षात मृत्यु है तुम्हारी। रक्तपात चाहते हो ना तुम? तो फिर अब वही होगा। We'll be right back.
मेरे इस प्रहार ने अभी तुम्हें चकित ही किया है, किंतु अभी ये तुम्हें आहत भी करेगा। नहीं संघार को, आहत होने का समय अब तुम्हारा है। एक नारी में इतना सामर्थ्य, किंतु अब सामर्थ्य का भी कोई लाभ नहीं होगा इसे। मेरे प्रहार विफल क्यों हो गए? देखा देवी, कहा था ना मैंने, तुम हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम कुछ भी कर लो देवी, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या है इनके सुरक्षित रहने का कारण? और दुष्टता भरे तुम्हारे ये शीश तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगी मैं। क्या हुआ देवी? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ भ्राताश्री, हमारे शीश तो अब भी अपने स्थान पर हैं। कोई दिव्य शक्ति इनका कवच बनी है, अन्यथा मुझसे इनकी रक्षा असंभव है। तुम सभी के प्रहार विफल हो गए ना, अब तुम क्या करोगी देवी? कैसे करोगी हमारा सामना देवी? धन्यवाद प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से मैं जो चाहता था वो प्राप्त कर लिया मैंने, क्योंकि अब तो ये देवियां
इसी प्रकार युद्ध में उलझी रहेंगी। भक्ति का अनुचित लाभ उठा रहा है ये। इससे भले ही इसे क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाए, किंतु भविष्य में कितना भयानक परिणाम होगा उसे ज्ञात नहीं है। छल और कपट से विजय जितनी शीघ्र प्राप्त होती है उतनी ही शीघ्र लुप्त भी हो जाती है।